सायबन स्कूल सायबन हफ्ते जातात का ते सांगा मला तुम्ही हफ्त्याचं बोलू नका नीट बोला नीट बोला नीट बोला आवाज कमी आवाज नाही तुम्ही पण बोला यांचे बघा यांचं काय चाललंय म्हणजे या गाड्यांवरती कारवाई आणि यांच्यावरती कारवाई नाही का नीट बोला तुम्ही याचा अर्थ काय मला सांगा याचा अर्थ काय महानगरपालिका फक्त गोरगरिबांवरती कारवाई करते हे काय हे असे चालले हे काय हे दाखव इकडे नमस्कार अस्सलामुअलैकुम आदाब मैं हूं यूसुफ अली आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों वसईवीरान महानगर पालिका अंतर्गत अलग अलग तरह के भ्रष्टाचार की खबरें बार बार सामने आती रहती है। आज भी हम ऐसी ही खबर आपके सामने लेकर आए। एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर सामने आया है, वो वीडियो है मनसे के उपशहर अध्यक्ष सुजीत आगरे का, जिन्होंने बीते शुक्रवार को वसई विरार महानगर पालिका के भ्रष्टाचार का उजागर किया। वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत 9 प्रभाग है, प्रभाग ए से आई आप सभी को मालूम है, उसमें प्रभाग एच की यह घटना है। प्रभाग एच अंतर्गत फेरी वालों के खिलाफ किस तरह से महानगर पालिका सुपारी लेकर कार्यवाही करती है, उसका यह नमूना सुजीत आगरे दिखा रहे हैं। मनसे के उपशहर प्रमुख है और इन्होंने शुक्रवार को वीडियो रिकॉर्ड किया है। दरअसल इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से सुजीत आगरे मनपा अधिकारी कर्मचारियों से फेरी वालों पर कार्रवाई करने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। हमने सुजीत आगरे से बात की तो उनका यह कहना है कि महानगर पालिका अनाधिकृत फेरी वालों को उठाने की कार्यवाही नहीं करती है, बल्कि ऐसे फेरी वालों को उठाने की कार्यवाही करती है जो एक यूनियन विशेष से जुड़े हुए नहीं है। ऐसा आरोप ये लोग फेरी वाले लगाते हैं। साथ ही साथ फेरी वालों का कहना यह भी है कि इनसे वसूली अनियमित तौर पर अनियमित तरीके से वसूली की जाती है। इससे पहले भी कई ऐसे मौके सामने आए जहां इस तरह के भ्रष्टाचार का खुलासा होता रहा है। वसई विरार महानगर पालिका प्रभाग समिति एच के मुखिया सहायक आयुक्त थे गिलसन गोंसाल्विस। सुजीत आगरे का मैं आपको वीडियो बताऊं इसके पहले गिलसन गोंसाल्विस का परिचय आपको जरूर देना चाहूंगा। एक अधिकारी ऐसा अधिकारी है जो हमेशा व्हाइट कॉलर रहता है, अपने आप को साफ स्वच्छ दिखाता है, लेकिन यह अधिकारी प्रभाग समिति एच में ही क्यों पैर पसाया बैठा है, इसके पीछे के कारण कई हैं। ऐसा कई बार सुनने में आता है कि ऐसा दबी जबान में सुनने को मिलता है कि अधिकारी अपने आकाओं के बलबूते पर प्रभाग समिति एच छोड़कर कहीं जाता नहीं है। अगर गलती से मुख्यालय से इसका ट्रांसफर यहां वहां कहीं हो भी जाए तो भी ये फिर अपना ट्रांसफर प्रभाग एच में ले लेता है। हालांकि ये प्रभारी सहायक आयुक्त है, परमानेंट सहायक आयुक्त तो नहीं है। इसका मूल पद है वो अधीक्षक का पद है, इसको प्रभार दिया हुआ है नवगर एच मणिपुर का। लेकिन इस गिलसन गोंसाल्विस को अगर नवगर मणिपुर एच की जगह कहीं और का प्रभार दिया जाए तो ये उसे ग्रहण नहीं करता है। तो क्या कारण है कि ये अधिकारी नवगर सिवाय कहीं पे जाना नहीं चाहता है, एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात जो मैंने अभी कहा कि भ्रष्टाचार के ऐसे कई आरोप सामाजिक लोग और राजनीतिक लोग लगाते रहे हैं कि जैसा फेरी वाला का अभी सुजीत आगरे ने किया, उसके अलावा अनाधिकृत बांध काम भी प्रभाग एच में भी जोरों शोरों से चलता है। लेकिन ये गिलसन गोंसाल्विस जो कि एक किचन से सिर्फ बदबू आने पर उसको नोटिस निकालता है, खुद महानगर पालिका ने लिख के दिया हुआ है, एक किचन से बदबू आने पर शिकायत जाने पर नोटिस निकालता है कि आपके पेपर सादर करो, आपका यह घर आपका किचन इल्लीगल है। उसके राज में कहीं बड़े बड़े इल्लीगल काम हो रहे हैं, वहां पर आंख मूंद कर बैठ जाता है। तो जरूर कहने की जरूरत नहीं है कि इसके पीछे क्या कारण है, सिर्फ एक और एक कारण वही है भ्रष्टाचार सेटिंग। तो वीडियो में आगे देखिए सुजीत आगरे ने जो अभी हाल ही में वीडियो बनाया और जो उसने दिखाया है सुजीत आगरे का वो वीडियो। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। उपचार अध्यक्ष आपण आनंद नगर मध्ये आहोत, आनंद नगर मध्ये इकडून महानगरपालिकेची गाडी आली
ही महानगरपालिकेची गाडी इकडच्या पब्लिकला फक्त उठवलं, इकडच्या गोरगरिबांना उठवलं, आणि भविष्यात आपण गाडीमध्ये काय बघा, गाडी पूर्ण खाली आहे. हे महानगरपालिकेचे सगळे आलेत अधिकारी, या लोकांना काय, या लोकांची हप्ते जातात का महानगरपालिकेला, या लोकांचे हप्ते जातात का मला ते सांगा. ह्या गाड्या का नाही उठला तुम्ही, मला उत्तर द्या ना, ह्या गाड्या का नाही उठला तुम्ही, सायबर हप्ते जातात का ते सांगा मला. तुम्ही हप्त्याचं बोलू नका, नीट बोला, नीट बोला, नीट बोला, आवाज कमी, आवाज नाही तुम्ही पण बघा, ह्यांचे बघा ह्यांचं काय चाललंय, म्हणजे ह्या गाड्यांवरती कारवाई आणि ह्यांच्यावरती कारवाई नाही का, नीट बोला तुम्ही, याचा अर्थ काय मला सांगा, याचा अर्थ काय. महानगरपालिका फक्त गोरगरिबांवरती कारवाई करते, हे काय, हे असे चालले, हे काय, हे दाखव इकडे दाखव, बघा दाखव पूर्ण काढ व्हिडिओ, साहेब ह्या लोकांना कारवाई करा सांगत नाही. आणि नंतर गाडी आले बघितला, म्हणजे पैसे पण घ्यायचे आणि परत माल पण उचलायचा, आणि याचा अर्थ काय, 5000 जो बोलतात 5000 सब लड़के लोग से डेढ़ डेढ़ दो दो हजार लिए लाए, म्हणजे याचा अर्थ हे लोक 5000 पण मागतात परत 1500 पण मागतात, आणि माल पण परत कमी देतात, म्हणजे सगळा पूर्ण इथे सगळा मनमानी कारभार आहे. याच्यावरती काहीतरी ॲक्शन घ्या एकदा. अनिल कुमार साहेब, आयुक्त साहेब, मी तुम्हाला सांगतो ह्या लोकांवरती कारवाई करा, अन्यथा मी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा पदाधिकारी महानगरपालिकेच्या खाली मी आंदोलन करेन. सोमवारी मी स्वतः जाणार महानगरपालिकेत, जर ह्या सगळ्यांवरती कारवाई नाही झाली तर मी स्वतः उपोषणला बसणार आहे. सगळे धंदे करा, जाता है लेकिन जाता है पैसा उनका, उठाना नहीं.
मतलब पूरी गली जाता है, इससे सब प्रॉब्लम तुम लोग का उठाएंगे, गरीब लोग का उठाएंगे, उन लोग का चालू। मैं डेली आ रहा हूँ, मैं डेली देख रहा हूँ, जब गाड़ी आते तभी मैं आके देख रहा हूँ। ये प्रॉब्लम है इन लोग का। आप धंधा लगाओ, सब धंधा लगाओ। अरे रोज का सबके साथ कर देगा तो सबको उठाओ, नहीं तो किसी को उठाओ मत। मैंने भी पहले यही बोली थी, या तो सबको उठाओ, उठा देगा तो सबको, नहीं तो किसी का हाथ में लगा देगा, भी मत लगाओ। उतना मनमानी कारोबारा। अरे बेचारे लोग कैसा कैसा, हम लोग माल का अभी तक खर्चा पीटा नहीं हमारा, 50,000-30,000 वो लोग अलग आके खड़ा हो जाता है। अभी परसों या बुट्टी के साथ एक हफ्ते वाला कितना झगड़ा किया, बोले मैंने पैसा दिया, पैसा दे, बोला अरे साहब गाड़ी नहीं लाए, गाड़ी देने से हम लोग धंधा नहीं लगा रहे। अभी क्या करने का बोल, हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।